उसको फिर मैं और एक बादशाह है अभी भी मुल्की में, हमने बारी बारी से उसको उठाया, हेलीकॉप्टर का इतना रेस्क्यू का नहीं था, तो उठा उठा के उसको नीचे उतारा हमने कुटुंदास से ऑन टू दी बटोरा साइड, विच इज अ वेरी स्टीप स्लोप, स्क्री भी है, क्वाइट डेंजरस, बट वी ब्रॉट हिम डाउन, नीचे ला के उसको फिर गिलगित लाया एंड ही गॉट वेल एंड ऑफ टू जापान। 75 में भी एक जर्मन एक्सपीडिशन के साथ इसी तरह की थोड़ी बहुत अटैचमेंट पर रखते। 76 में आई सॉ एन एडवर्टीजमेंट इन ए न्यूज पेपर, पाकिस्तान आर्मी वॉज ऑर्गेनाइजिंग एन एक्सपीडिशन एंड दे वर लुकिंग फॉर सम क्लाइंबर्स, सिविलियन क्लाइंबर्स। आई अप्लाइड, तो उस वक्त मेरी सिर्फ दाढ़ी हुआ करती थी नेचुरल, उस वक्त कोई क्लाइंबिंग का आपका कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग वगैरह? सिर्फ पशु के अलावा हाँ, लाहौर से पंजाब यूनिवर्सिटी से टीमें आती थी, कावान नारायण जाके वहाँ रिवर क्रॉसिंग और रोप वर्क सिखाते थे, और एक एडवर के दोस्त के जरिए से लकी टू बी टेकिंग पार्ट इन वन ऑफ दोस्त। 8 दिनों के लिए हम गए थे मलिकप्पर के बेस पे, हमें यू नो सेल्फ अरेस्ट स्नो पे ये थोड़ा बहुत सिखाया था, देट वॉज ए वेरी बेसिक ट्रेनिंग, लेकिन मैं मेरी जो है ना पशु पे चूंकी हुई थी इसलिए आई वॉज परफॉर्मिंग बेटर देन मोस्ट अदर्स। वो हुई, उसके बाद वायु, वायु पे सुर्ख दाढ़ी नेचुरल, मेरी पता नहीं क्यों सुर्ख थी, मेहंदी के बगैर सुर्ख दाढ़ी। मैं गया इंटरव्यू के लिए, बुलाया गया तो जनरल मिर्जा उस वक्त अल्पाइन क्लब के प्रेसिडेंट थे अमर अली मिर्जा, दूर से उनके साथ एक और बंदे बैठे हुए थे, कहते हैं यार कोई गोरा आ रहा है उसको, मैं सुन रहा हूँ ये कोई गोरा कौन आ रहा है करके फिर की बात की, मैं आके बैठ गया सलाम करके, सलाम दुआ में ही वॉज एबल टू फाइंड आउट माई क्रेज, आई वॉज सेलेक्टेड फॉर माई अलॉन्ग विद बाबर फ्रॉम PIA। बाबर था बेचारा सिफारिशी था, वो बेस कैंप से भाग गया वापस, but anyway I got the best opportunity in my life, payu pe army air force ki team thi 10 log the, myself and babar Suti se wapas chala gaya, we were trained by one of the finest instructors from America, army ne usko laya tha, Alan Steck. Alan is one of the pioneer rock climbers, ही इज़ अ राइटर, उसने एक अलग एसेंट मैगजीन को एडिट किया, और एलन ने हमें 14 दिन वो रगड़ा दिया कि वो आज तक जिंदगी काम आ रही है। आपने ISS की जो जिक्र किया था कॉलेज के दौरान, आपने ISS की फौज में जाने का सोचा? एयरफोर्स के लिए वो नॉकआउट ना होते चले जाते तो क्या होता? अप्लाई किया मैंने, नॉकआउट नहीं होता somehow, I think एक और चीज़ मुझसे मिस हो गई है, स्कूल में जब था तो नन ऑफ दीज थिंग्स वेर अपीलिंग, आई वॉज ओके इन स्कूल, मसलन क्लास 3 से 8 तक आई एंडेड अप इन द सेकंड पोजीशन, डॉक्टर असलम है अभी इस्लामाबाद में होते हैं, ऑलवेज फर्स्ट पोजीशन मिस किया, कभी मैं उससे आगे फर्स्ट नहीं ले सका, लेकिन सेकंड पोजीशन में आता था, तो पढ़ाई में इंटरेस्ट अच्छा था, तो एयरफोर्स में बस वही क्रेज था, आई वॉन्टेड टू डू समथिंग एल्स, ये डॉक्टर बनना इंजीनियर वगैरह बहुत कम लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज नज़र आती थी उस जमाने में, उनमें से अपीलिंग नहीं थे, तो एयरफोर्स का इंटरेस्ट था, तो अगर बनता तो फिर जाहिर है
एक रिटायर्ड बुढ़ा कुछ हाई स्कूल होना कोई अच्छा हुआ आपके लिए भी हमारे लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी. तो पॉलिटिक्स का भी आपने जिक्र किया, मीर हुंजा का आपने जिक्र किया, बाद में अगर आप इलेक्शन भी लड़े उनकी फैमिली के अगेंस्ट जीते भी. अच्छा आप मुझे बताइए पहली मेजर असेंट आपकी जो सबसे मेमोरेबल आपकी जहाँ से उधर ही जा रहा हूँ ये दिस इज गोइंग टू बी योर डेस्टिनी यही मैंने कहा उधर ही जा रहा हूँ मैं पायु. आप में से बहुत सारे लोग बल्तोरो कर गए हैं. पायु को मैं बल्तोरो का चौकीदार कहता हूँ. इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल माउंटेन्स. इट्स लाइक ए हैंड बिल्कुल उसका शेप ये बनता है. मुझे इसको बेल्चा टावर कहते हैं. पायु 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 पशु पायु पीक यार पीक सामने हाँ पायु पीक बहुत इंश्योर है. मैं उसकी इतनी तारीफ कर रहा हूँ पल्तर हो कि पायु भी नहीं पहचान किया है तो. पायु वॉज an unclimbed peak all the way up till 76. दो दफा अटेम्प्ट हुआ था. 74 में अमेरिकन टीम गई और पायु पे पाकिस्तान का फर्स्ट मोमिन हामिद वॉज द फर्स्ट पाकिस्तानी हु डाइड ऑन अ माउंटेन. मोमिन हामिद डाइड ऑन पायु. जॉइंट एक्सपीडिशन थी उसमें मोमिन हामिद वाइल्ड I think walking down from Kentu, उसके क्रैम्पॉन एंटेंगल जाहिर है ट्रेनिंग नहीं थी बेचारा गया है. क्रैम्पॉन्स एंटेंगल एक दूसरे के साथ क्रैम्पॉन रगड़ खा गए. He took a fall and he was not able to stop. That is how he died. He fell down about 1600 meters. पायु की lowest part में उसको They found him and brought him and he is buried near Skardu airport. First mountaineering victim of from Pakistan was Momin Hamid. ये कामरान शफी का आर्टिकल्स पढ़े होंगे आपने. आप तो राइटर हैं जाहिर है बहुत सारे उन्होंने पढ़े होंगे. कामरान शफी मेजर उसका छोटा भाई. His mother was from Iraq. तो anyway, पायु बड़ी हैवी अंडरटेकिंग थी उस वक्त हमारे हिसाब से. बिकॉज इफ यू लुक आवर बैकग्राउंड्स इंटायर टीम आर्मी के जो लोग थे कोई एलो गया था कहीं कुछ बेसिक 14 दिन के ट्रेनिंग के बाद पायु क्लाइम करना. अब इफ आई लुक बैक आई थिंक वी डिड नॉट डिजर्व एनीवेयर टू गो एनीवेयर नियर दैट पीक. इट इज़ सो चैलेंजिंग और इतनी experienced American team basically because of the accident they were not able to climb it and went back. 75 में French team ने attempt किया उसे भी नहीं हुआ. अच्छा चूंकि immature है सब तो I would like to mention training के दौरान I was the worst student. हुआ ये कि आपको ये ट्रेनिंग कौन करा अमेरिकन अमेरिकन जो जिसका पहले से कहा एलन स्ट्रेट हमें ट्रेन कर रहा है स्नो आइस रॉक पे जहाँ कमजोर था मैं. कमजोर एक एरिया में कमजोर मैं ये था कि आपको बैक पे गिरना है पांव ऊपर सर नीचे आपको बैक पे स्नो फेस के ऊपर से गिरना है. स्लाइड करके यू हैव टू पुल योर बॉडी अपवर्ड्स. अच्छा आपने आई सिक्स पकड़ा हुआ है बहुत सारों ने किया होगा ये सेल्फ अरेस्ट कहते हैं इसको माउंटेनियरिंग में सेल्फ अरेस्ट. तो आपने गिर के अपने आप को सीधा करके आई सिक्स की मदद से अपने आप को रोकना है. उससे नहीं हुआ छः दफा ट्राई कर खुदा के फजल से वो जिंदगी में शायद उसकी जरूरत भी नहीं पड़ी. बहरहाल I was the worst. अच्छा नहीं डरता था या क्या था नीचे से गिरूं जाके उसी तरह गिर कर नीचे जाऊं. Alan gave up on me. But he knew I was the most, I think, bit more crazy than others climbing के बारे में. So while climbing by you, we fixed 4 camps. उस दौरान में मुख्तलिफ टीमें थी. Alan
luckily I was in Alan's team. He used to provide me the opportunity to lead. तो वो बिलेंग करता था मुझे ये सारा. तो I'll cut it short because the story is very long. आखिरी जब अटेम्प्ट हम कर रहे हैं लास्ट टाइम से मैं कर्नल मंजूर मेजर बशीर और एलन स्टेक हम जा रहे हैं तो एलन इज प्रोवाइडिंग मी मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी टू लीव. हम जा रहे हैं हवा चल रही है और धूप ऐसा ऐसा गायब हो रही है. तो मैंने कहा कि धूप के गुरुम होने से पहले सबमिट कर लें तेजी में. आई रियलाइज कि पीछे से कोई आवाज़ें आ रही हैं, नीचे आवाज़ें आ रही हैं. मेरे पाँव के नीचे छोटे छोटे पत्थर गिर रहे थे, स्नो गिर रहा था. एक वक्त में बहुत ज़्यादा चीखने लगे थे लोग, सब चीखने लगे थे. मैं रुक के पीछे देखा तो ये जो रस्सी है, आई वॉज विदाउट अ रोप. रस्सी किसी तरीके से, उस वक्त स्लिंग, हमारे पास स्लिंग्स थे जो आजकल हार्नेस हैं, आप सब ने देखा होगा. हार्नेस तो था ही नहीं हमारे पास, स्लिंग से हमने अपने आप को रस्सी के साथ अटैच किया था. और बहुत सिंपल वाले कारबिनर थे, वो कहीं दब गया होगा और रस्सी निकल गई होगी, स्लिप हो गया. सो आई एम विदाउट रोप. आई स्टिल रिमेम्बर आई वॉज एट ए वेरी प्रेकॉरियस डेंजरस सिचुएशन. आई वॉज होल्डिंग ऑन टू द रोप, उधर बैठा रहा. आई फ्रोज माई सेल्फ. तो आहिस्ता आहिस्ता एलन आ गया ऊपर. एलन कहता है, बास्टर्ड, इफ यू वॉन्ट टू लिव लॉन्गर यू आर नॉट गोइंग टू मेक दिस मिस्टेक अगेन. कोई 20 साल के बाद कैलिफोर्निया में उसके घर में मैंने कहा, बाबा याद है तुमने मुझे गाली दी. इस तरह से. तो फिर बट ही वॉज इंकरेजिंग मी, लगे रहो. उसके बाद फिर दोबारा आई वॉज ऑन द रोप अगेन एंड वेंट अप. वी वर नॉट एबल टू मेक द समिट डे. We were forced to spend a night in a snow cave. We dug the snow cave big enough. चार बंदे. अब मेजर बशीर का जनाजा इतना बड़ा है कि सारा स्नो केव तो उसने संभाल लिया. दोबारा डिग करने के लिए हमारी हिम्मत नहीं है. उसके बाद फिर जाहिर है गेस्ट भी था और सब हम सब में एल्डर था. एलन स्टेक गॉट इन, मेजर मंजूर. आई प्लेड एज द डोर ऑफ द केव मोस्ट ऑफ द टाइम. माई बैक वॉज आउटसाइड. यूं होकर बैठा. आई प्लेड द डोर एज द यंगेस्ट मेंबर. देर वॉज अ टाइनी प्लेस. इतना होगा, तीन स्टेप्स इधर, तीन स्टेप्स उधर. सारी रात बाहर निकल के जब ठंड ज़्यादा लगती थी तो मैं वो वॉक करता रहा लिटिल बालकोनी. आई डिड नॉट स्लीप फॉर अ सेकेंड. अर्ली मॉर्निंग. आप जो ये जो वॉक करते रहे नीम बगाने के, इसको एक खास टर्म यूज़ करते हैं, दो सालों से मेरे जहन में नहीं आया. इसको कहते क्या है इस प्रैक्टिस का, एक खास टर्म आप लोग क्या कहते हैं? अभी शायद मेरे जहन में नहीं आया. ठीक है. तो मंजूर ने कहा सुबह हमारे पास वी हैव नथिंग बिकॉज वी वर प्लानिंग टू गेट द समिट एंड कम बैक टू द कैंप. वो तो नहीं हुआ. वी हैव नथिंग टू ईट. बिस्कुट कोई थे थोड़े बहुत, वो खा के बैठे हुए. सुबह मंजूर ने कहा कि लेट्स गो डाउन. मैंने कहा व्हाट डू यू मीन, वी नॉट गोइंग फॉर द समिट. मेरी तरफ देख के कहता है, समिट तो बस हो गया ना. आई थिंक इट वॉज अबाउट 45 meters. कहता यार बस यहाँ से जा नहीं सकते, जो हो गया हो गया, लेट्स गो बैक. मैंने कहा नहीं नहीं. तो एलन समझ गया. मुझसे पूछे नदीर, डू यू हैव एनी गट्स? यस आई विल ट्राई. मंजूर को उसने कहा कि इसको बिले करो. मंजूर ने उधर केव के अंदर से ही बिले किया. आई टुक द रोप एंड वेंट अक्रॉस
till today, K2 ke alawa, I think that was the hardest climb. But then again, when I go back, jo meri capability, technical experience, I think it was just grace and being ambitious that took me across the very steep ice page. It was quite an overhang summit part. Lucky enough, we had enough ice screws. Mera bahut confidence hai aaj bhi ice screw, hard ice ke andar jo ice screw hai na, wo uski jo ability hai to hold at least 10 people. It can hold on to 10 people if it is properly placed. Agar ice strong hai, hard ice hai, uske andar ek bolt sahi tarah lagaye aap, to it can hold 10 people's fall. तो उसमें टोटल कॉन्फिडेंस था. मैं जा रहा हूँ बहुत स्टीप, तो समिट का जो है बिल्कुल लास्ट पार्ट था, इट वॉज ओवर हिल. मैं जा रहा हूँ और समिट का जो है, दैट वॉज द बल्ज वॉज पुशिंग मी बैकवर्ड्स. लास्ट स्टेप लेने के लिए जब आइसेक्स लगा के मैंने स्टेप लेने की कोशिश की, द समिट पार्ट पुश्ड मी बैक एंड आई फेल 20 meters down the steep face. उसके बाद luckily मंजूर ऊपर आया था काफी, उसने मुझे you know he held me back. उसके बाद गुस्सा भी कुछ बीच में से आ गया for some reason, कि इतनी मेहनत करके you know खाया कुछ भी नहीं है, ये है वो है. तो हुंजा में हम अक्सर लोग, at least मेरा generation का जो आवाम है, मंजर में ये है कि अगर आप वॉर फ्रंट पे हैं, पहाड़ पे हैं, या रस्सा कशी हो रही है, या कोई भी मुकाबला है, तो मंजर के लोगों में एक बिलीव ये था कि यू हैव टू परफॉर्म लिटिल बेटर देन अदर्स. सुना सुनाया था गैरत कहें उसको या जो भी कहें, वो एक इनबिल्ट था. वो भी बहरहाल दोबारा जब किया पहाड़ के साथ, अभी मुकाबला हो गया, आके आई मैनेज इन सच ए वे दैट आई टुक द स्टेप जहां द बल्जिंग ओवरहैंग ऑफ द समिट कोन डिड नॉट बॉदर मी. आई वाज एबल टू टेक द स्टेप एंड आई वाज ऑन द समिट. एज सून एज आई ड्रैग माय वेट विद द हेल्प ऑफ आइसेक्स, आई वाज ऑन द समिट. I was quite naughty also. मैंने क्या किया था, बेस कैंप से I took a little mirror. इस तरह एक मिरर मैं ले गया था साथ जेब में. मुझे पता था कि समिट से बेस कैंप नजर आता है, तो मैंने सिग्नल दिया. It was quite late afternoon. में बेस कैंप वालों ने देखा होगा, नीचे के डॉक्टर था हमारा और लोग. इतनी देर में एंकर लगाया तो मंजूर वगैरह आ रहे थे ऊपर, दो स्क्रूज थे उनके साथ आया. इसी दौरान एलास्टिक एक स्नो प्लेटफॉर्म था, आई वाज सिटिंग ऑन देयर एंड ऑलवेज पुशिंग मी, एनकरेजिंग मी, और ये भी कह रहा था कि हमने बेस कैंप पहुंचना है. नदी यू रिमेंबर वी हैव टू गेट टू बेस कैंप, सॉरी कैंप टू, कैंप में हमें जाना है वापस. बाद में अल्लाह जानता है मेरी उससे बात नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारे राइट अप्स में ये बात आ गई है कि एलन ने कहा कि आई डिड नॉट क्लाइम द समिट बिकॉज आई वांटेड इट टू बी ए पाकिस्तानी समिट. आई हैव अ लॉट ऑफ वार्म एंड रिस्पेक्ट फॉर देम, लेकिन वहाँ ऐसी कोई बात हुई नहीं थी. ही वाज क्वाइट टायर्ड आफ्टर द स्नो केव एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ही वाज लाइंग ऑन द स्नो प्लेटो देयर and pushing me, that's what I remember. Uske baad, all this time while I was climbing, Bashir, Major Bashir, lamba, so raha tha. Galiyan deke literally, Alan Steck ne usko nikala, snow cave se, and he asked him to come up. To, rasi to all the way lagi hui thi. Aya, to Bashir, joined us on the summit. All this time I was carrying a Russian camera, मुझे याद नहीं 8 किलो उसका वजन था.
ISBR کا ایک کیمرا تھا دیٹ آئی واز کیئرنگ آل دا وے ٹو دا سمٹ بعد میں وہ کسی کام کا نہیں آیا اس کی ویڈیو کلپنگ میرے خیال میں بیکار نکلی شاید منظور اس کو آپریٹ کر رہا تھا تو سمٹ پہ پھر وی ہیلپ ایچ ادر یہ سو why was the first experience bhai or there was no going back I think uska ek success pehla expedition training ye sara I was the youngest member wo itna maza aaya bhai ke baad phir I think jo real jam of mountaineering got me Yes, there are opportunities here. Aisa nahi tha. I was looking around this and that, you know, teaching ka, koi aur cheezein. Lekin phir opportunities paida ho gayi and one opportunity after another kept dragging me back into the mountains. Of course, I was looking for opportunities. The very next year, we had joint expedition to K2, 77. Pakistan Japan joint expedition jo ki that we made the second ascent of K2 54 ke baad K2 band kiya gaya tha for political reasons all 16 saal ke liye band yahan pe aapki pehli attempt K2 pe 77 mein pehli attempt thi I was again interviewed karke hame koi 5-6 log the unme se Ashraf Aman who is the first Pakistani to have climbed K2 on that trip aur main hum dono aur Anchan Khan was the liaison officer on the film team Major Kamal was the from Waqt was the liaison officer unfortunately he committed suicide train in he ended his life Major Kamal very fine man to is tarike se phir opportunities aati rahi K2 के बारे में बताएंगे जब K2 बनी रीच द समिट वो मैं वो फीलिंग समझना चाह रहा हूँ वो जानना चाह रहा हूँ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम व्हेन यू फाइव समिट इतनी आसानी से आपको समिट में नहीं ले जाऊंगा K2 की तरफ से नीचे से चलते लेट्स कैंप शुरू करते हैं या उसे पहले शुरू करते हैं बिल्कुल अब टाइम वाइज हाउ आर वी सर आपके आपके पास टाइम जो इसलिए कि आई कैन नॉट जस्टिफाई विद स्टोरी इफ आई कट शॉर्ट प्लीज से कि आपका टाइम जो K2 ऑब्वियसली द वेरी नेक्स्ट कम्स K277 हम गए यहां से देयर वाज द लार्जेस्ट एक्सपेडिशन इन द हिस्ट्री ऑफ बल्तोरो 37 जापानीज दो पाकिस्तानी मेंबर्स और हमारे साथ कोई 11 हाई एल्टीट्यूड शेरपास थे हाई एल्टीट्यूड गाइड्स के दौरान उनको तो बहुत बड़ी एक्सपीडिशन और 1100 पोर्टर और स्कर्दू में पुलिस बुलाना पड़ता था ना पुलिस 1100 पोर्टर के लिए कोई 3-4 हज़ार पोर्टर आते थे लंबा जुलूस उनको संभालना पुलिस बहुत मुश्किल से उनकी सिलेक्शन के लिए प्रोसीजर डॉक्टर बैठता था टेक्निकली ना नॉकआउट करने के लिए सारा ड्रामा जाहिर जो देखा देखे जो तगड़ा लगता था स्वागत करते थे तुम इधर आओ तो वो दिन थे ट्रेडिशनल एक्सपीडिशन 1100 पोर्टर पे तकसीम करके हम 3 हिस्सों में मूव किया अब द बल्तोरो डिफरेंट डेज में सबसे पहले या 70 इयर्स ओल्ड एक्सपीडिशन लीडर था 70 साल का योशिजावा कमरजान पशु का बहुत सारे लोग जानते होंगे हाई एल्टीट्यूड गुरु था रस्सी बांध के ऑल द वे बेस कैंप तक उसके रस्सी बांध के वो इधर उधर गिरता था बिल्कुल पतला सा बाबा वो पहली टीम गई उसके बाद दूसरी टीम गई थर्ड टीम में हम थे लार्जेस्ट टीम थी 700 पोर्टर थे हमारी टीम बेस कैंप पहुंच गए लेकिन कंबोडिया में पहुंच गया तो K2 देख के यानी ऐसा हुआ जैसे सांस बंद हो गया इट लुक सो बिग और खूबसूरती भी टू मी
after seeing all those mountains, I've been very lucky to see mountains in Alaska, Mount Fuji se leke, Nepal, Himalaya, Sara, dekhne ke baad, K2 stands on top in terms of beauty. It's very beautiful. Usko totally craft kiya hai, artist ne, jis tarike se uski tarash tarash bhi hai. I think no other mountain stands anywhere closer to K2. Bahut khoobsurat tha. Aur मैंने बाद में सुना जो योशिदावा था हमसे तीन दिन पहले कंगोड़िया पहुंच गया था कहते हैं इतना रोया वो 7 घंटे रोता रहा और कोई 5-6 दिन खाना भी छोड़ दिया उसने के तो देख के तो बाद में मैंने सोचा उसकी जब यह हालत थी तो फिर मेरी भी मैच जाने के बाद तकसीम किया 37+39 मेंबर्स में से तकसीम कोई 7 teams thi, different. It was operating like a war front. Ek bilkul is tarah war front mein ek general hota hai, isi tarah climbing leader tha niche, bahut bada wo laga hua tha. Hum sab ke naam likhe hue the chote-chote, you know, board ke upar movement ka baqaida naam lage hue hain, camp 3 mein kaun hai, camp 2 mein kaun hai, aur isi tarah मैं और अशरफ साथ थे. जब K2 से 3 जा रहे थे लोग, as I told you, I tend to be naughty. तो अशरफ और मैं और कुछ लोग जा रहे थे K2 में. हमने कुछ सामान छोड़ के जो हमारी टीम थी, जा रही इतनी बड़ी एक्सपेडिशन थी तो बहुत ज़रा सामान हमने उठाना ऊपर पहुंचाना था ऊपर के कैंप्स में बारी बारी से. तो K2 में सामान छोड़ के हमारी बारी थी ऑल द वे टू बेस कैंप जाके हमने रेस्ट करना था 3 दिन. सुबह से ही जहन में आया मैंने कहा जरा पुश करता हूँ मैं अपना. रास्ते में मैंने अशरफ को कहा मैं आगे 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 चलते चलते K2 गया. K2 में सामान छोड़ के मैं ऊपर रवाना हुआ. बाद में मुझे पता चला कि ये तो बहुत बड़ी डिसिप्लिनरी एक्शन मेरे ऊपर हो सकता था. पानी तो वार फ्रंट, आप सांस नहीं ले सकते, इतने डिसिप्लिन वाले लोग हैं. 2-2 घंटे तकरीरें सुनना, डिनर पड़ा हुआ है सामने, लीडर तकरीर कर रहे हैं, युवाओं के सुन रहे हैं. तो इस टाइप की एक्सपीरियंस ट्रेडिशन से मैं गुजरा हूँ. तो ऊपर जब रवाना हुआ तो ये अशरफ वालों को मैंने बताया था. जरा ऊपर गया तो 6 जापानी K2 से K3 की तरफ रास्ता बना रहे थे. उस दिन उन्होंने K3 लगा के उधर रात गुजारा था. जब मैं करीब से करीब हो गया तो ये हैरान हो गए पीछे देखने लगे ये कौन आ रहा है. जब करीब दिया जो टूटी फूटी जापानी बोल रहा था मैंने उनको समझाया बस मैं वैसा आया हूँ, कोई ऑक्सीजन लेके गया था मैं. तो ऊपर जब गया तो जो लीडर था जापान उस टीम का मोरिता मसारू डाइड ऑन ग्रैंड जूरस, एक पहाड़ है बहुत मुश्किल यूरोप में इटली और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे. वहाँ ही फेल डाउन विद वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स. तो मोरिता गॉट पिस्ड ऑफ, बिल्कुल एक लफ्ज भी अंग्रेजी का नहीं बोलता था, कुछ खूब जापानी में गालियाँ दी मुझे, कहता है दे दो इसको कंडे बिल्चा पकड़ा है आइसेक से कहता प्लेटफॉर्म बनाओ टेंट के लिए लगे रहो. लिटरली यू नो ही बुलीड मी, दबाव के काम करो या समझे लग गए थे. आई नी व्हाट यू वर सेइंग. मैं लगा रहा टेंट का प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ बना रहा हूँ. फिर शायद उस पर आया कहता जाओ दबाव जाओ. नीचे गया रात को बेस कैंप पहुंचा. तो आई वॉज ट्राइंग टू टेस्ट माई स्ट्रेंथ कि कितना पुश कर सकते. मेन मकसद ये था, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बहादुरी दिखाने वाली कहानी नहीं थी. आई जस्ट वॉन्ट टू सी मैं कितना पुश कर सकता. एनी वे होते होते कैंप 6
چھٹا کیمپ ہمارا اس وقت 8125 میٹر پہ شولڈر آپ نے کمبوڈیا سے دیکھتے ہیں تو اس سے ذرا اوپر جس کو بارڈر لینک کہتے ہیں بہت سارے بندے مارے ہیں اور اتنی پرانی بات نہیں ہے 77 میں ہم نے ادھر کیمپ لگایا جہاں سے بھی اولاد چاہتے ہیں اس وقت ایک کوئی آئس کا ٹکڑا کیمپ پہ وہاں میں نہیں دیکھا کیمپ لگایا وہاں ٹوٹل میرے خیال میں کوئی 8 راتیں لوگوں نے گزاری ہیں ایک رات میں نے گزاری آخری کیمپ چھٹا کیمپ ہم پانچویں کیمپ میں تھے سمٹ ٹیمس کی اناؤنسمنٹ ہو گئی جاپانی اسٹائل میں ظاہر ہے بہت سوچ وچار کے بعد انہوں نے سمٹ ٹیم کے لیے اس کو سلیکٹ کرتے تھے وہ پرفارم بیٹر اور جب بھی ہم نیچے جاتے تھے ہمارے ساتھ 3 ڈاکٹر تھے ہائر کیمپ میں بیس کیمپ میں باقاعدہ چیک اپ کرتے تھے بلڈ پریشر آپ کا سارا کچھ جب سمٹ ٹیم کا اناؤنس ہو گیا تو مجھے سرپرائزنگلی توقع نہیں تھی میرا نام فرسٹ سمٹ ٹیم ہو گیا اور ایکسپیڈیشن کا جو لیڈر تھا وہ تھا جو پرسو پیک کا تھا 74 میں جس پہ میں سب سے پہلی ایکسپیڈیشن ہے شنگائی نے مجھے باقاعدہ جاپانی میں بولتا رہا میں نے سمجھا فیلنگ سمجھا باقی کچھ بھی نہیں سمجھا نذیر کرتا تھا نذیر تم نے ہمت کرنا ہے سمجھنے لگ جائے کچھ تقریر کر گیا میرے لیے ٹرانسیور لیکن جب مجھے فرسٹ ٹیم میں ڈالا تو بہت سارے لوگ جاپانیوں سے ناراض ہو گئے فرسٹ ٹیم میں تو ایسا بولے کا مسارو بہت ٹف کا کلائمبر تھا اس کے لیے 2 دان آرٹیفیشل دان تھے کہیں پہاڑ پہ گر گیا تھا یہ چمکتے ہوئے اس کے دان تبھی بھی مجھے یاد ہے وہی وہ سو اپسیٹ کہ وہ کیمپ 5 سے کیونکہ اس کو فرسٹ ٹیم میں نہیں ڈالا نیچے چلا گیا نیکسٹ ڈے اینڈ ہی لیفٹ ہوم ایکسپیڈیشن ابینڈن کر کے چلا گیا بیسیکلی بیکاز ہی واز ناٹ پٹ ان دا فرسٹ سمٹ ٹیم بعد میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ شنگائی نے جان کے ہم جو کریزیسٹ ینگیسٹ لاٹ تھا 5 لوگوں کا 4 جاپانی اور مائی سیلف ہمیں فرسٹ ٹیم میں اس لیے ڈالا تھا کہ وی ہیڈ ٹو بگر اراؤنڈ وہ جو جتنا فرنٹ میں سنو تھا وی ہیڈ ٹو ریسل راستہ بنانا تھا بہرحال میں بابا گوچی جاپانیوں میں عجیب سے کریکٹر دیکھی ہے بابا گوچی مونچھیں اس کی ٹال گائے وائٹ ٹال کاؤ بوائے ہیڈ پہنتا تھا وہ امیزنگ گائے بالکل ہی عجیب سی کریکٹر وہ ہمارا لیڈر تھا میں بابا گوچی اور تیرانشی ایک ٹینٹ میں تھے مجھے سمٹ فیور ہے رات پائی پہ تو ظاہر ہے جیسے مجبوری میں نہیں آئی تھی نیند لیکن آج تک کسی سمٹ اٹمپٹ سے پہلے نیند نہیں آتی تو ادھر خاک سونا تھا بہرحال ویسے بھی ہمیں 3 بجے روانہ ہونا تھا 7 ساڑھے 7 بجے کچھ جاپانی سی فوڈ زیادہ تر رائس پلاسٹک بیگ میں پیک ہوتا ہے پکا پکایا رائس آپ نے ابلتے ہوئے پانی میں ڈال کے گرم کر کے کچھ اس میں ڈرائی فش وغیرہ یا ٹینڈ ہوتے ہیں وہ مکس کر کے کھاتے تھے وہ کھا کے ظاہر ہے نیند نہیں آئی نیند اس لیے بھی نہیں آئی کہ ہوا تیز چل رہی تھی اور اوپر سے آپ کے ٹینٹ کے اوپر ٹک 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 سنو پڑنا اس جسٹ بیگ میں اس پر ماؤنٹینئر آئی تھنک بس وہ بری خبر تھی سنو پڑنا شروع ہو گئی تھوڑی دیر کے بعد بس اٹھے اٹھ کے کچھ سوپ پیتے تھے چائے شائے کی کوئی کہانی نہیں ہے سوپ بنایا انہوں نے سوپ پی کے ہم روانہ ہوئے جیسے ٹینٹ سے باہر نکلے تو سنو فال شروع تھا ونڈز were so strong that the snow was blasting into our eyes. بس مایوسی ہو گئی ادھر ہی موسم دیکھ کے لیکن روانہ ہوئے
a 1 hour view would have gone about 200 meters. रुक के बाबू ऊंची बेस से कुछ ट्रांसीवर पर बात करने लगा. रवाना होने से पहले भी बात की थी उसने. रुक